शाली रहेंगे, हमारे महिलाओं के लिए तोहफा के रूप में कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन उत्साह प्रमाण करेंगे और साथ ही साथ देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग वर्गों के लिए ये निर्णय बहुत ही लाभदायी साबित होंगे। आज प्रमुखतः 6 विषयों के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने और कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। सबसे पहले तो कैबिनेट ने निर्णय लिया कि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष हमारी माता बहनों को तोहफे के रूप में जो 300 रुपये टारगेटेड सब्सिडी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक थी, उसको एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए और अब 300 रुपये प्रति सिलेंडर हर वर्ष 12 सिलेंडर तक की सीमा तक हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 31 मार्च 2025 तक यानी एक साल की अवधि बढ़ाते हुए लगभग 10 करोड़ से अधिक परिवारों को ये लाभ मिलेगा। और इसके कारण जो हमारी माता बहनों ने अब लगभग देश भर में LPG सिलेंडर का लाभ लिया है, जिस प्रकार से गत 10 वर्षों में भारी रूप में LPG सिलेंडर्स का प्रभाव देश में बढ़ा है और जिससे हमारी माता बहनों को निजात मिली है, रोज जाके लकड़ी इकट्ठी करना, दूर जाके समय बिता के लकड़ी लाना, चूल्हे पे अपना खाना बनाना और उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी जो परिणाम पड़ता है, उन सब से मुक्ति पाते हुए हमारी माता बहनों को प्रधानमंत्री जी ने 2016 से लेकर आज तक लगभग सैचुरेशन लेवल तक जितने आवेदन आए हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शन के, मुफ्त में LPG कनेक्शन के, लगभग उन सभी बेनिफिशरीज को अब तक LPG सिलेंडर कनेक्शन मिल चुका है और अब उनको एक वर्ष और 300 रुपये की छूट दी जाएगी अपने सिलेंडर के ऊपर और हर वर्ष वो 12 सिलेंडर तक सब्सिडाइज कीमतों पर ले सकते हैं। इस पे लगभग 12,000 करोड़ केंद्र सरकार की तरफ से व्यय अनुमानित है और इसके कारण हमारे उज्ज्वला के सभी लाभार्थियों को सस्ता 300 रुपये सस्ता LPG सिलेंडर मिलेगा। दिल्ली में अगर हम देखें तो जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको 14.2 किलो का LPG सिलेंडर 603 रुपये मात्र में उपलब्ध होगा। मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ये एक बहुत अच्छी सौगात हमारी माता बहनों तक पहुँचेगी और इसका देश में सभी हमारी उज्ज्वला की बहनें स्वागत करेंगी। दूसरा एक बहुत अहम निर्णय आज की कैबिनेट में लिया, AI मिशन के तहत 10,372 करोड़ रुपए की व्यय से एक बड़ा ही एम्बिशियस इंडिया AI मिशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र को और इसमें जो इनोवेशन जो शोध हो रहा है उसके पूरे इकोसिस्टम को और प्रोत्साहन देने के लिए 7 प्रमुख अंश पर ध्यान देते हुए एक इंडिया AI मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज के मंत्रिमंडल की बैठक में
स्वीकृत किया गया है और इस एआई मिशन के क्रियान्वयन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी से जो आज देश और विश्व में प्रगति हो रही है उस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो काम हो रहा है, जो सॉल्यूशंस पे विकास हो रहा है उसको और बल देने के लिए और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इकोसिस्टम को और तेजी से विकसित भारत में करने के लिए ये बड़ा ही बहुमुखी कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया एआई मिशन का फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में संपन्न ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई समिट में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इंडिया एआई मिशन के विजन को रखा गया था, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो इनोवेटर्स हैं, जो नई शोध करते हैं उनको और आगे काम में सहूलियत देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और बड़े पैमाने पे एडॉप्ट करने के लिए और इस क्षेत्र में टैलेंट स्किल डेवलपमेंट के लिए जो हमारे युवा युवती हैं उनके टैलेंट को बढ़ाने के लिए कई अलग अलग पहलुओं को इस इंडिया एआई मिशन में जोड़ा गया है। इसका एक बड़ा प्रमुख अंग ये रहेगा कि एक हाई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को विकास करने के लिए जो कंप्यूट फैसिलिटी चाहिए होती है, जो कंप्यूटिंग की कैपेसिटी देश में निर्मित करने की आवश्यकता है, उस कंप्यूटिंग कैपेसिटी के लिए लगभग 10,000 से अधिक जीपीयूस ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में देश में उपलब्ध कराया जाएगा और एक प्रकार से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मार्केटप्लेस डिजाइन की जाएगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक सर्विस के रूप में, सेवा के रूप में उपलब्ध कराएगी, जिससे हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहन मिलेगा, हमारे एआई के स्टार्टअप इकोसिस्टम को लाभ मिलेगा, हमारे यूनिवर्सिटीज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा और ये 10,000 से अधिक जीपीयूस जो कंप्यूटिंग कैपेसिटी भारत में निर्मित करेंगे इससे भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इकोसिस्टम को एक बड़ी छलांग आगे के दिनों में मिलने जा रही है। इसके अलावा 2-3 इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे जो बड़े पैमाने पे लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल एलएमएम के मॉडल पे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोत्साहन देने के लिए एक क्रिटिकल सेंटर्स के रूप में और डोमेन स्पेसिफिक फाउंडेशनल मॉडल के रूप में बनाए जाएंगे, जिसका लाभ पुनः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बड़े रूप में भारत में स्थापित करने में लाभ दिया जाएगा। इंडिया एआई डेटा सेट्स का प्लेटफॉर्म भी एक क्रिएट करने का प्रस्ताव है जो स्ट्रीमलाइन करेगा कि नॉन पर्सनल जो डेटा है वो कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन के लिए उपलब्ध हो सकता है। ये यूनिफाइड डेटा प्लेटफॉर्म वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में डेवलप किया जाएगा और जो नॉन पर्सनल डेटा है वो भारत के स्टार्टअप्स को और रिसर्च से जुड़े हुए लोगों को उपलब्ध हो ये सुनिश्चित करने का ये एक अहम कदम है। इसी के साथ साथ इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जिसमें एआई की एप्लीकेशंस को क्रिटिकल सेक्टर्स में, जो बहुत अहम सेक्टर्स हैं देश के विकास यात्रा में, उसमें जो जुड़े हुए स्टार्टअप्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके लिए सरकार के माध्यम से या अलग अलग क्षेत्रों से जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आएंगे उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को
सोल्यूशन निकालने के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इसमें आगे तेज गति से काम हो, जो भारत के विकास के लिए और भारत में जो बदलाव आ रहा है, जिस प्रकार से भारत तेज गति से विकास की तरफ बढ़ रहा है, उसमें भी बड़े पैमाने पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम सहयोग ले पाएंगे। एक अहम भूमिका इसमें स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास की है, जो भारत के नौजवानों को, युवा युवतियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में स्किल्स, फ्यूचर स्किल्स डेवलप करेगा और अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स और पीएचडी लेवल के एआई के प्रोग्राम्स इसके तहत डेवलप किए जाएंगे और टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में, जो मेट्रोपॉलिटन शहर नहीं है लेकिन थोड़े रिमोट एरियाज में जो शहर और टाउन्स हैं, उसमें इसका एक इम्पैक्ट हो और फाउंडेशनल कोर्सेज अवेलेबल हो, इसकी एक पहल इस मिशन के तहत की गई है। साथ ही साथ नए स्टार्टअप्स को फाइनेंसिंग के लिए इसमें एक पिलर रखा गया है, जो विशेषकर डीप टेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो स्टार्टअप्स हैं उनको अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग देने का काम करेगा। और अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग अधिकांश स्टार्टअप्स के लिए दिक्कत होती है, उपलब्ध नहीं रहता है। मैं समझता हूँ कि ये अर्ली स्टेज और ग्रोथ स्टेज पर जो फाइनेंसिंग इस मिशन द्वारा उपलब्ध होगी, इसकी एक अहम भूमिका रहेगी डीप टेक स्टार्टअप्स को सुविधा देने के लिए। और अंत में सेफ और ट्रस्टेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इसमें प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाएंगे, जो उपलब्ध कराएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स के लिए भारत में टूल्स और फ्रेमवर्क्स और इनोवेशन के लिए एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क भी डेवलप करने का काम करेगा। मैं मानता हूँ ये जो इंडिया एआई मिशन है, जिसपे लगभग 10,372 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे, ये भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव काम करेगा आगे चल के। एक तीसरा अहम निर्णय जो आज के मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, वो था कच्चे जूट का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो समर्थन मूल्य है, उसको बढ़ाने का, 285 रुपए प्रति क्विंटल, यानी लगभग 5.6% वृद्धि की गई है जूट के कीमतों में। और पिछले 10 वर्ष को अगर देखें तो लगभग 122% वृद्धि जूट के एमएसपी पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में की गई है, जो लगभग 3,000 रुपए की वृद्धि है। आज से 10 साल पहले जो 2,400 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी था, वो आज 5,335 रुपए, यानी लगभग 3,000 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि 10 वर्ष में 122% की गई है, जिसका लाभ 40 लाख जूट किसानी परिवारों को सीधा मिलेगा। और इसी के साथ साथ लगभग 5 लाख जो कर्मचारी जूट मिल्स में काम करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों मिला के, इन 5 लाख कर्मचारियों के परिवारों को भी इसका लाभ आगे चल के मिलेगा। जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अगर एमएसपी से कम हो जाते हैं जूट की कीमतें, तो जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उसको खरीदती है किसानों से, जिससे उनको कभी भी नुकसान ना हो पाए। ये जो 5,335 रुपए निर्धारित एमएसपी है जूट का, इसका कई राज्यों में लाभ होगा जूट के किसानों का। और ये जो खर्च होता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इससे लगभग 65% अधिक है, इट इज द कॉस्ट प्लस 65%, जिसका लाभ लगभग 40 लाख किसान परिवारों को आगे चल के होगा। मेरा पूरा विश्वास है कि इस निर्णय से खास तौर पे पूर्वी भारत में हमारे
जूट किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा और इसका लाभ आगे चल के जूट क्षेत्र में और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी और ज़्यादा प्रोत्साहन देने का काम ये जूट की MSP के वृद्धि से होगा। इस वृद्धि से सबसे अधिक लाभ पश्चिम बंगाल को होगा और इसी के साथ साथ अलग अलग जो हमारे पश्चिमी क्षेत्र हैं बिहार आसाम और उड़ीसा, इन सब पूर्वी जो प्रदेश हैं, इन चारों पश्चिम बंगाल बिहार आसाम और उड़ीसा चारों पूर्वी प्रदेशों में इसका बड़े पैमाने पे लाभ हमारे जूट के किसानों को मिलेगा। चौथा एक बड़ा निर्णय जो आज लिया गया है वो है पूर्वांचल के आठों प्रदेशों में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इन आठों राज्यों के लिए एक उद्योग जगत को प्रोत्साहन देने के लिए उन्नति 2024 योजना को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है। उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम उन्नति, जिसमें उद्योग और सेवा सर्विसेज सेक्टर को भी जोड़ते हुए 10,000 करोड़ से अधिक इंडस्ट्री को प्रोत्साहन के रूप में मिलेगा। इसमें एक अहम कड़ी जोड़ी गई है जो पहले की स्कीम्स में नहीं थी कि इसमें जो 60% व्यय लगभग 6,000 करोड़ ये अलग अलग राज्यों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, जिससे हमारे जो उन्नति के लाभार्थी है, जो इस योजना के लाभार्थी हैं उन्नति के, ये सभी प्रदेशों को, आसाम हो, सिक्किम हो, त्रिपुरा हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, सभी प्रदेशों को 60% को डिवाइड किया गया है नीति आयोग के सुझाव पर। अलग अलग राज्यों के लिए एक विशेष मिनिमम एलोकेशन दी गई है जिसमें आसाम को 2,434 करोड़ रुपए, अरुणाचल प्रदेश को 908 करोड़ रुपए, मणिपुर में 334 करोड़ रुपए, मेघालय में 645 करोड़ रुपए, मिजोरम में 453 करोड़ रुपए, नागालैंड में 327 करोड़ रुपए, सिक्किम में 514 करोड़ रुपए और त्रिपुरा में 386 करोड़। कुल 6,000 करोड़ स्पेसिफिक एलोकेशन की गई है इन सब राज्यों की और बाकी जो 4,000 करोड़ है ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इन सभी राज्यों में उपलब्ध रहेगी। ये स्कीम नीति आयोग ने पूरी तरीके से पुरानी स्कीमों को स्टडी करके कोशिश की है कि सभी उत्तर पूर्व पूर्वांचल में सभी राज्यों को इसका लाभ मिले। इसमें दो प्रकार के जोन बनाए गए, जोन ए जो थोड़े अभी भी आगे इंडस्ट्रियलाइज है और जोन बी जो उद्योग क्षेत्र में अभी तक विकास नहीं कर पाए, थोड़े बैकवर्ड रहे हैं, इन सभी को इसका लाभ मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए रखी गई है, सर्विस सेक्टर में मिनिमम इन्वेस्टमेंट मात्र 50 लाख रुपए रखी गई है और सर्विस सेक्टर में बिल्डिंग में भी जो निवेश होता है वास्तु खड़ी करने में उसको भी जोड़ा जाएगा और कोई एक यूनिट को अधिक से अधिक लाभ इसमें 250 करोड़ रुपए तक निर्धारित किया गया है मैक्सिमम। इसमें तीन प्रमुख अंश हैं, एक है कैपिटल इंसेंटिव, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव जिसमें 2,146 करोड़ रुपए रखे गए, एक है सेंट्रल कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन इंसेंटिव जिसमें 1,156 करोड़ रुपए रखे गए, 3% उनमें जो लोन लेंगे उस पर 3% की छूट दी जाएगी, और तीसरी कड़ी है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज लिंक्ड इंसेंटिव जिसमें 6,435 करोड़ रुपए रखे गए। जो नए यूनिट्स पूर्वांचल में लगेंगे, इन नए यूनिट्स को
जो नेट जीएसटी पेमेंट करते हैं उसको 10 वर्ष की अवधि में जोन ए में 75% जो निवेश हो प्लांट एंड मशीनरी में करें, और जोन बी में पूरी जो इन्वेस्टमेंट करें प्लांट एंड मशीनरी में उसका 100% नेट जीएसटी जो पे करें उसका रिइंबर्समेंट दिया जाए। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा लाभ पूर्वांचल के 8 राज्यों को इंडस्ट्रियलाइजेशन और सर्विस सेक्टर को प्रमोट करने के दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये स्कीम को बनाया गया, और इसका लाभ आगे आने वाले दिनों में हमारे पूर्वांचल के इंडस्ट्री के क्षेत्र को बड़े रूप से मिलेगा। इसकी आखिरी अवधि 31 मार्च 2026 रहेगी इसमें रजिस्ट्रेशन की, और फिर आगे चल के 10 वर्ष तक ये लाभ हमारे उद्योग और सेवा क्षेत्र के लोग इसका लाभ ले पाएंगे। इसमें एक पॉजिटिव लिस्ट भी रखी गई है जिसको अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा, और एक नेगेटिव लिस्ट रखी गई है जिसमें कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनको इसमें नहीं कवर किया जाएगा। ये दोनों जो लिस्ट है इसकी जानकारी वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध कर दी जाएगी। तो जैसे मैंने कहा ये उन्नति योजना में सेंट्रल इंटरेस्ट सबवेंशन भी रहेगा, सेंट्रल कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन के माध्यम से लोगों को ब्याज के दरों में भी छूट मिलेगी, और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज लिंक करते हुए जीएसटी रिइंबर्समेंट, नेट जीएसटी रिइंबर्समेंट और इनिशियल कैपिटल सब्सिडी, ये तीनों अंश जोड़ते हुए उन्नति स्कीम हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में उद्योग जगत को और गति देने का काम करेगी। मित्रों, एक पांचवा फैसला डियरनेस अलाउंस को लेके मंत्रिमंडल ने किया है। इसके तहत मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो देय डीएनएस अलाउंस मिलता है और जो पेंशनर्स हैं जिनको डीएनएस रिलीफ मिलता है, इन दोनों में पहली जनवरी 2024 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। पहली जनवरी 24 से 4% की वृद्धि से देश भर में बड़े पैमाने पे हमारे पेंशनर्स को लगभग 50 लाख जो एम्प्लॉयज हैं और लगभग 68 लाख जो पेंशनर्स हैं इन सबको इसका लाभ होगा, और इसका व्यय लगभग 12,000